नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एयरटेल अकाउंट जब ब्लॉक हो जाएगा तब आप लोग उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग नहीं जान पाते हैं जो अकाउंट किस तरह से ब्लॉक हो जाता है। देखिए कुछ सस्पिशन ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपने बहुत सारा कॉज है जो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपने क्या किया, एक अकाउंट को अलग अलग डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है एक ही डिवाइस में अलग अलग अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया है, इस तरह आपका ट्रांजेक्शन की वजह से आपका जो अकाउंट है ब्लॉक हो सकता है। और कोई अकाउंट बहुत दिन से यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है बहुत दिन से, तो ये भी अकाउंट जो है ब्लॉक हो सकता है। तो इस अकाउंट को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक का भी बहुत सारा अकाउंट है इस टाइम में फिलहाल ब्लॉक कर रहे हैं कंपनी ने, उसका वीडियो भी मैं बना के दिया हूं किस तरह से उसको रिकवर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर जाके एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूं एयरटेल का अकाउंट किस तरह से ब्लॉक होता है। तो मैं एयरटेल का जो ऐप्स है एयरटेल थैंक्स ऐप उसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ टाइम वेट करना है। देखिए नॉर्मली जो अकाउंट है इधर आ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे जो अकाउंट आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो आप लोग किस तरफ से समझ सकते हैं, देखिए जब आप भीम यूपीआई पे जाके जब ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको एक एरर मैसेज दिखाई देगा इस तरफ का, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस तरह आपका एक एरर मैसेज दिखाएगा, आपका जो अकाउंट है ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको इस तरह का एक एरर मैसेज दिखाएगा जब आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है, देख पा रहे हैं इधर लिखा हुआ है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से आप लोग रिकवर कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको कंपनी को मेल करना पड़ता है, आपका जो एड्रेस प्रूफ दे के आपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन किया था वो एड्रेस आपको इधर देना है, एड्रेस प्रूफ देना है, ठीक है। किस तरफ क्या क्या देना है मैं आपको बता देता हूँ। आपका आधार कार्ड का बैक फोटो, फ्रंट फोटो, आपका पैन कार्ड यानी सपोर्टिंग जो केवाईसी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। आप पैन एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करने का टाइम में पैन कार्ड नहीं दिया था, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पैन कार्ड उधर नहीं पूछे देना पड़ेगा। इसके बाद आप उधर नहीं दिया था उसके बाद भी दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, देंगे तो आपको अच्छा ही होगा। इसके बाद पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स फोटो देना है। उसके बाद आता है आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको इधर देना है, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। और एक चीज़ आपको ये दे गए तो और भी बहुत अच्छा होगा, कोई भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन किया है यानी आपने किसी भी दिन SBI से UPI के थ्रू अपना एयरटेल पेमेंट बैंक पे बैलेंस ऐड किया है उसका ट्रांजेक्शन एक स्क्रीनशॉट, SBI का योनो रहता है, बहुत सारा बैंक का जितना भी बैंक है सभी का एक सिस्टम रहता है जो पासबुक दिखाता है, तो उसका एक ट्रांजेक्शन का जिस दिन किया है वो ट्रांजेक्शन ढूंढिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको मार्क करके आपको देना है। एबार इसके बाद आता है कौन सा ईमेल एड्रेस पे आप लोग मेल करेंगे। मेल करने के लिए आपको इधर ये वाला जो मेल एड्रेस है आपको इस मेल एड्रेस पे आपको मेल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसका जो एड्रेस है मैं दे दूंगा, wecare@airtelbank.com इस मेल पे आपको मेल करना है, ठीक है। इसके बाद उन लोगों ने क्या करेगा, आपको एक टिकट नंबर देगा और क्या लिखना पड़ेगा पहले आपको बता देता हूँ। क्या इस मेल पे ये तो फोटो दे दिया आपने, इसके बाद कुछ लिखना पड़ेगा, वो जो लिखना पड़ेगा मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो क्या आपको लिखना पड़ेगा उस मेल पे, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या क्या लिखना पड़ता है जब ब्लॉक हो जाता है, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है प्लीज़ एक्टिव माई अकाउंट, इस तरह का एक कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस मेल एड्रेस पे जब आप मेल करेंगे ना रिप्लाई पे आपको कुछ टिकट नंबर मिलेगा, तो उस टिकट नंबर पे देख के उन लोगों ने प्रॉपर बता देगा जो क्या क्या नेक्स्ट स्टेप आपको करना है। इसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपको टिकट नंबर नोट कर लेना है, नोट करने के बाद आपको इधर कस्टमर केयर में कॉल करना है। ये देखिए आपका एयरटेल नंबर है तो 100 पे कॉल कर सकते हैं, और आपका एयरटेल नंबर नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दूंगा, बहुत सारे लोग इस नंबर को जानते हैं 8800688006,
इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको ये टिकट नंबर पूछेगा, ये टिकट नंबर देंगे तो आपको बता देगा किस तरफ से आपका जो अकाउंट है अनब्लॉक हो सकता है, और ये जो अनब्लॉक की प्रक्रिया है आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्या करने से आपका जो अकाउंट है अनब्लॉक कर दिया जाएगा, ये इधर ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग बहुत सारे लोग हैं मेल भी नहीं कर सकते हैं, मेल किस तरफ से करते हैं वो नहीं जानते हैं, तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं मेल ओपन कर लिया हूँ, इसके बाद आपका मेल एड्रेस इस तरफ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद इधर प्लस वाले जो ऑप्शन है इधर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, इधर आपको आप जिसको मेल करना चाह रहे हैं इधर आपको देना है टू। ठीक है, तो wecare@airtelbank.com ये इधर होगा। इसके बाद सब्जेक्ट पे होगा अकाउंट ब्लॉक, इसके बाद आपको इधर लिखना है। तो जो लिखेंगे मैं भी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको देख के आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो जानते हैं आपका मर्जी से भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक मेन जो आप लोग फोटो किधर से अपलोड करेंगे, देखिए इधर एक ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन इधर आपको टैप करना है। ठीक है, इसके बाद आता है अटैच फाइल, इधर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको रिसेंट जितना भी फाइल है वो इधर शो करेगा। ठीक है, वो इधर ही सब कुछ शो करेगा। इसके बाद देखिए इधर आपको टैप करके देखिए सब कुछ फोटो आ गया है इधर। इसके बाद इधर आपको टैप करके आप इमेज चूज कर सकते हैं, वीडियो चूज कर सकते हैं, ऑडियो बहुत सारा ऑप्शन है चूज कर सकते हैं, और इधर ड्राइव है। ठीक है, आपका ड्राइव इधर शो करेगा। इसके बाद आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, गैलरी से जाके भी आप लोग चूज कर सकते हैं फोटो को। ठीक है, इसके बाद फोटो चूज करने के बाद आपको क्या करना है, इधर ये जो ए वाला जो ऑप्शन है इधर आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद ऑटोमेटिक ये ईमेल से आपको बैक कर देगा, फ़ोन पे ले जाएगा जाएगा फ़ोन का। इसके बाद आपको इधर थ्री डॉट पे टैप करना है। इधर थ्री डॉट पे टैप करने के बाद आपको इधर सेंड करके एक ऑप्शन है, सेंड करके ऑप्शन में टैप करेंगे तो वो इधर आपको दिखाएगा सेंड हो गया है। इसके बाद आपको फिर से आपको इस तरह आपका फ़ोन में आएगा। इसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेना पड़ेगा। रिफ्रेश जब कर लेंगे आपका जो है उन्होंने आपको रिप्लाई कर देगा कुछ टाइम के बाद, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरफ से करिए। मेरा दोस्त का भी एक अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, उसका अकाउंट रिकवर हो चुका है, अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आपका दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।